जय माता दी। मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे दिवाली के बारे में कि दिवाली के दिन किस मुहूर्त में करें पूजा, जिससे मिलेगा कई गुना फल। दोस्तों, इस बार कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन दीपावली यानी कि दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। इस बार 27 अक्टूबर को देश भर में दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों, इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि दिवाली के दिन दीपों की रोशनी में माँ लक्ष्मी घर में आती हैं। ये भी मान्यता है कि प्रभु श्री राम की अयोध्या वापसी पर लोगों ने उनका स्वागत घी के दिए जलाकर किया। अमावस्या की काली रात को रोशन हो गई, इसलिए दिवाली को प्रकाशोत्सव भी कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग शाम को 6:42 से 8:11 तक आप लक्ष्मी पूजन कर सकेंगे। अब बात करते हैं प्रदोष काल के बारे में, जो कि 5:36 से 8:11 तक रहेगा। दोस्त, आप बात करते हैं कि माँ लक्ष्मी को कैसे करें प्रसन्न। दोस्तों, वैसे तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के तरीके बहुत आसान है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कई उपाय भी दिए गए हैं, जिन्हें करके आसानी से माँ की कृपा पाई जा सकती है। लक्ष्मी कृपा पाने के इन्हीं में से कुछ चुनिंदा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि निम्न है। दोस्तों, पहला उपाय है महालक्ष्मी के महामंत्र का जप करना। दोस्तों, मंत्र है ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी एनम। दोस्तों, कमलगटे की माला से कम 108 बार उस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, दूसरा उपाय है दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजन के बाद घर के सभी कमरों में शंख और घंटी बजाना चाहिए, इससे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और तीसरा उपाय है दिवाली पर महालक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियां रखें, इससे धन संबंधी सभी परेशानियां दूर होंगी। चौथा उपाय है दोस्तों दिवाली वाले दिन शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल चढ़ाएं, ध्यान रहे सभी चावल पूर्ण होने चाहिए। पांचवा उपाय है लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ जरूरी रखें और पूजा के बाद इसे अपनी तिजोरी में रखें। छठवां और आखिरी उपाय है दिवाली के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर दें, इससे शनि के दोष और काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।